अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुबीन आरफ सियाल और आप देख रहे हैं YouTube चैनल द यूनिवर्सल नॉलेज। दोस्तों आज का व्लॉग स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला, हम जाएंगे समुंदर पे। तो आपको यूरोप स्पेन में कैसे आपको सी व्यू नज़र आता है, तो सारी इंशाल्लाह ताला आपको सैर करवाई जाएगी। अभी मैं फटाफट से पहन लूँ शर्ट पहन लूँ और शर्ट पहन लूँ, इसके बाद इंशाल्लाह ताला बात करते हैं जी। तो दोस्तों मैंने अपने पहन लिया, हम इसी में इंशाल्लाह ताला नहाएंगे और इन्जॉय करेंगे और शायद हो सकता है मैं ये उधर जाके उतार भी दूँ। तो किधर गए जी मेरे स्लीपर, किधर गए जी? पहले स्लीपर पहन लेते हैं, इसके बाद इंशाल्लाह ताला मेरे स्लीपर, ये रहे मेरे स्लीपर, तो इनको मैं पहन लेता हूँ और इधर से मैं दोबारा से अपनी शर्ट को पहन लेता हूँ ताकि रास्ते में, क्योंकि अभी समुंदर में जाएंगे तो रास्ते में अगर ये वाली अच्छी नहीं लगेगी, ना ही मेरी इतनी बॉडी है, क्या करें। इसको मैं कर लेता हूँ, पहन लेता हूँ इसी के ऊपर ताकि दोबारा चीज़ें पहननी ना पड़े। ठीक हो गया जी, एक काम ये हो गया, दूसरा मैंने स्लीपर भी पहन लिए हैं। अभी मैं बैग में चीज़ें रखता हूँ, अपना तौलिया और खाने पीने की कुछ चीज़ें और अपनी ग्लासेस वगैरह। तो दोस्तों मैंने अपना एक मोबाइल, ये वाला और ये वाला दोनों, और तीसरे मोबाइल बना वीडियो बना रहा हूँ, ये हो गया। और इसके साथ साथ मैंने अपना चावल भी रख लिया है, नीचे पानी की बोतल है, निकल अभी नीचे चली गई है, बबल गम्स भी मैंने डाल दिए हैं। किधर की मेरी बबल गम? ये रही मेरी बबल गम्स। और इसके साथ मैंने स्पीकर भी उठा लिया है वहाँ पर इंशाल्लाह ताला। और इसके साथ मेरी क्या चीज़, ये रहा जी मेरा मास्क, अभी हम पहनेंगे मास्क। ये मेरे लिए ग्लासेस, एक ये वाला एक ये वाला, इन दोनों में से एक उठा लेंगे और चलते हैं अभी, हैं जी। तो सबसे पहले पहनता हूँ मैं मास्क, इसको पहन लिया क्योंकि ये ज़रूरी है, इसके बगैर हम बाहर नहीं जा सकते। इसके ऊपर लगाते हैं हम ग्लासेस, मेरा ख्याल ये सही रहेंगे दूसरी की नस्बत। ये रहे बैग की, करता हूँ मैं जिप बंद। और ये मैंने स्पीकर भी इसमें रख लिया है, वहाँ पे जाएंगे कुछ गाना शाना चलाएंगे, इतना बड़ा नहीं है लेकिन साउंड इसकी अच्छी है। इसको अभी मैं लगाता हूँ बैग, बैग लग गया। और मेरे घर की चाबियाँ, ये मेरा रहा दूसरा मोबाइल, और चलते हैं जी। तो अभी मैं दोस्तों अपनी उतर रहा हूँ सीढ़ियाँ, सीढ़ियाँ उतर के तो नीचे आपको मैं दिखाता हूँ क्योंकि तो दोस्तों सीढ़ियाँ मैं उतर के आ चुका हूँ, मास्क को मैं कर लेता हूँ थोड़ा सा नीचे और ग्लासेस चलो लगी रहे। सी व्यू स्पेनिश सी व्यू, आज दोस्तों जिस जिसने स्पेनिश सी व्यू देखना है। अभी मेरा आजो मेरा दोस्त पता नहीं किधर गया, मेरा दोस्त। तो दोस्तों समंदर के मैं काफ़ी नज़दीक पहुंच चुका हूं, ये राजी समंदर, और पहुंच के आपको मैं दिखाता हूं क्या उधर माहौल है। जिस टाइम पे हम आए हैं वहां पे अभी इतने ज़्यादा बंदे तो नहीं होंगे, हो भी सकते हैं, शाम का असल में टाइम होता है, शाम के 3-4 बजे 5 बजे बंदे इधर बहुत ज़्यादा आ जाते हैं और इतना सारा रश लग जाता है ना, जैसे यही पता चलता है कि यहाँ पर तो बकरियों का रेवड़ है और हर तरफ ही वो क्या उसे कहते हैं कि तूफानी मची हुई होती है, हर तरफ वो लिबरल लड़कियां ऐसे सोई होती हैं जैसे समंदर के बाहर या किसी तालाब के बाहर मगरमच्छ नहीं सोए हुए होते धूप में, ऐसी पड़ी होती हैं। तो आपको मैं नज़ारा करवाऊंगा, तो दोस्तों समंदर में मैं पहुंच गया हूं
आपको दिखाता हूँ यहाँ के हालात। बंदे तो हैं लेकिन थोड़े ही हैं। तो चले आपको दिखाते हैं और कुछ भी। शेख खड़ा है जी मेरा दोस्त मी अमीगो अब्दुल्ला केदाल bien bien y tú cómo estás muy bien vamos a bañar un poquito vale तो दोस्तों समुंदर पे मैं पहुंच चुका हूं। मैंने अपनी बनियान उतार दी है जो मैंने सोचा हुआ था कि पहन के आऊंगा उसी के साथ नहाऊंगा, लेकिन मज़ा नहीं आ रहा था। अभी इसको मैंने उतार दिया दोस्तों। तो अभी समुंदर के ऊपर पहुंच चुके हैं हम। और अभी पानी में जाऊंगा तो आपको थोड़ी सी अपने तैरने की जो उसे कहते हैं स्किल्स हैं वो भी आपको दिखाऊंगा मैं। होपफुली आप लाइक करेंगे। हम पाकिस्तान में कभी कभी नहाया करते थे दरिया पर, और समंदर जो है वो तो पाकिस्तान में आपको पता ही है कि वो कराची में, तो वहाँ पर समंदर पे जाने के नहाने के लिए सबको पंजाब से कराची जाना पड़ता है, तो बड़ा मुश्किल है वो। तो बस इधर स्पेन में हम सी व्यू का एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ पे मैं रह रहा हूँ उसी के साथ ही ये जो सी व्यू है सारे समंदर उसके साथ ही बढ़ता है, 2-3-4 मिनट का रास्ता होता है। तो चेक करें दोस्तों, और अब्दुल्ला फोटो नो वीडियो असमी फोटो कैसा लग रहा है समुंदर को यहाँ पर? दिले बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। समुंदर पे आकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा नहीं, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। समुंदर पे आकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। मादरे मिया, मादरे मिया दी मी पीड़ा। मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों कि समुद्र में कैसे तैरते हैं। जिन लोगों को पता तैरने को उनके तो बात सही है, जिनको नहीं पता उनको मैं सिखाऊंगा। तो अब्दुल्ला मेरे पीछे भी जा, फॉलो मी। पंजाबी में इसको कहते हैं चुंगी, यानी कि पानी के अंदर चले जाऊंगा मैं। अभी देखिए दोस्तों, बहुत ठंडा पानी है, बहुत ज्यादा ठंडा पानी है दोस्तों, बहुत ज्यादा ठंडा पानी है दोस्तों। मादर मिल हुँ? ये देखे दोस्तों बहरी जहाज आ रहा है, बहरी जहाज बार को दोस्तों पानी के अंदर, और जब लहरें आती हैं समुंदर की तो ऐसे पता चलता है जैसे हाथ से मोबाइल मेरा छूट जाएगा और पानी में गिर जाएगा। पानी में अगर पानी मेरा फ़ोन गिर गया तो मेरा पैसे ज़ाया हो जाएंगे व्लॉग के चक्कर में। इतना पैसा यूट्यूब वीडियो नहीं देगी जितना ये मेरा व्लॉग पड़ जाएगा, मेरा मोबाइल महंगा इतना है। तो
पानी इतना ज्यादा नमकीन है, आगे मैं नहा रहा था तो पानी चला गया मुंह में, ऐसे पता चल जैसे वो किसी ने सही तरह से ना नमक इसमें मिक्स किया हुआ है इतना ज्यादा। कराची में एक दफा मैं गया था दोस्तों नहाने के लिए, नहीं नहाने के लिए नहीं गया था उंजी घूमने फिरने के लिए, तो वहाँ का पानी भी इसी तरह नमकीन, वैसे भी समुंदर का पानी बहुत ज़्यादा नमकीन होता है। मेरा दोस्त भी नहा रहा है, बहुत अच्छा। अब्दुल्ला समुंदर में तैर कर आपको कैसा लग रहा है? दिले बहुत अच्छा। समुंदर में तैर कर आपको कैसा लग रहा है? आया तेरी तैरनी है पुत्र। ओए पानी बहुत ठंडा, आगो मुई फ्री आए। मुझे सनम चुकू अंदर दोस्तों पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है, मुझे तो सर्दी लगनी शुरू हो गई है। तभी थोड़ी देर के लिए मैं बाहर आ गया हूँ ताकि थोड़ा सा सूरज की गर्मी को महसूस किया जाए और थोड़ा सी गर्मी आए। इसके बाद दोबारा फिर जाएंगे समंदर में और नहाएंगे, थोड़ा सा तैरेंगे। तो दोस्तों आज हमने नहा लिया है तो अभी वहाँ पर जाएंगे, तो उधर लगा हुआ वो क्या उसे कहते हैं फाइनल टच नहाने वाला टूटी, पंजाबियों से कहते टूटी लगी हुई है, जहाँ पे जाकर हम नहाएंगे। अभी से इधर से हम अपना उठा लेते हैं टॉवल्स, मेरे स्लीपर, और अभी हम जाएंगे वहाँ पर नहाने के लिए दोस्तों, क्योंकि हमारे जिस्म के साथ लगे हुआ है बहुत ज़्यादा नमक, और मुँह के अंदर नमक, आँखों के अंदर नमक, और जी और समुंदर के पानी की जो स्मेल होती है वो उसको धोने के लिए अभी हमें जाना पड़ेगा वहाँ पर। थोड़ा सा नहाएंगे अच्छी तरह ठंडे पानी के साथ और इसके बाद फिर हम शर्ट्स और अपनी ट्राउज़र वगैरह पहनकर घर को चले जाएंगे। दो चार इनका सनो अकी मेहर अकी मेहर। तो इधर हम दोस्तों नहाएंगे यहाँ पर, और तो दोस्तों हमारी किस्मत ख़राब कि इसमें अभी पानी नहीं आ रहा, इसमें पानी नहीं है, दूसरे शावर में भी पानी नहीं है, और पानी नहीं आ रहा दोस्तों, पता नहीं क्या वजह। यूरोप में भी पानी की किल्लत कभी सोचा नहीं था कि ऐसा देखने को मिलेगा। बहरहाल एक और जगह पे है, वहाँ पे जाके चेक करते हैं, अगर पानी मिल जाता तो वहाँ पे नहा लेते हैं। अगर पानी मिले तो अरमानो। तो एक और दूसरी जगह पे भी शावर है दोस्तों, अगर तो पानी वहाँ पे मिल जाता है तो नहा लेंगे, ना मिला तो घर जाना पड़ेगा। वो रहा जी दूसरा शावर, वो वाला वो रहा, अभी मैं चेक करता हूँ। ये दोस्तों मैं पहुँच गया हूँ अभी। ओहो इसमें भी पानी नहीं है, इसमें भी पानी नहीं है। हाँ कर 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 कुर करता है लेकिन पानी नहीं फेंक रहा। नहीं है दोस्तों अभी
घर चलते हैं इंशाल्लाह ताला। तो आज का फाइनल टच आपको दिखाते हैं दोस्तों, सी व्यू का क्या माहौल होता है इधर, क्योंकि अभी दिन का टाइम है, 12:01 बजे हैं, तो बंदे इतने काफ़ी ज़्यादा नहीं हैं। शाम के 3-4 बजे इधर इतने सारे बंदे आ जाते हैं कि पता ही नहीं चलता कि यार कि बंदे घर में रहते हैं या इधर सारा दिन रहते हैं। तो आज का समंदर का जो फाइनल टच है वो ये वाली था, बाकी आपको मैं दिखाता हूँ, एक दो चीज़ें और हैं। तो अभी दोस्तों पानी नहीं है इधर, 2-3 जगह भी चेक की, शावर इधर भी है, इधर भी है, 2-3 आगे थे, सब में पानी नहीं है। तो अभी शर्ट तो नहीं पहन सकता, ये वाली बनियान पहन लेता हूँ ताकि घर पहुँचा जा सके, तो वैसे पहन लेता हूँ जी मैं। नीचे भी सारी टांगों के ऊपर रेत लगी हुई है, स्लीपर के अंदर रेत लगी हुई है, मुंह के ऊपर रेत, सिर बालों में अंदर रेत। तो अभी घर चलते हैं तो इंशाल्लाह फिलहाल देखते हैं क्या बनता है। ये रहा जी अपना बैग, बैग को उठा लेता हूँ मैं, इसको लगाता हूँ आज से, तो चलते हैं घर में, मेरे साथ बने रहिए। काफला दोस्तों घर की तरफ रवा दवा, गर्मी भी काफी ज्यादा हो गई है और गर्मी 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 का तोड़ होता है कि आप ज्यादा से ज्यादा समुंदर के ऊपर जाएं, नहा लें, या पाकिस्तान में तो ये होता है कि क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है कि पंजाब में कहीं भी समुंदर नहीं लगता, तो हमारे मुल्क में सिर्फ और सिर्फ कराची में ही, मेरा ख्याल है जहाँ तक मेरा नॉलेज है कि कराची में ही है समुंदर, बाकी जगहों पे तो नहीं लग रहा। तो पंजाब के बेसिक शहरों में या देहातों में वगैरह ट्यूबवेल्स होते हैं, और या फिर उसे क्या कहते हैं कि नहरें वगैरह होती हैं, या बेसिकली जो मेरा तल्लक है जेलम से है, और जेलम में दरियाए जेलम, वहाँ पे कभी कभी नहाते थे, या फिर डैम्स वगैरह होते हैं वहाँ पे नहाया करते थे हम। तो अभी इधर आ गए तो अभी समुंदरों पे नहाते हैं, वक्त की उसे क्या कहते हैं सर्कल है कि घूमता रहता है, तो सारी चीज़ें याद रखना पड़ती हैं, कहाँ पे दरिया, ट्यूबवेल्स और नहरें वगैरह। और अभी इधर समंदर में थोड़ा ओपन माहौल होता है क्योंकि यहाँ पे लड़कियाँ लड़के मिक्स नहाते हैं, कुछ लड़कियाँ बगैर कपड़ों के भी नहाती हैं, जो वीडियो में हम शो नहीं कर सकते क्योंकि सेक्सुअल स्ट्राइक आ जाती है वीडियो के अंदर, क्योंकि यहाँ पे मैं अभी जो नहा रहा था वहाँ पे 10-12-15 लड़कियाँ ऐसी थी जिन्होंने कुछ भी नहीं पहना हुआ था, बिल्कुल कुछ भी नहीं पहना हुआ था। तो वो उस वीडियो को कैप्चर करने की टेंशन नहीं है, कैप्चर मैं कर सकता हूँ, लेकिन ये है कि वो इसको अपलोड नहीं कर सके क्योंकि अपलोड करेंगे तो सेक्सुअल स्ट्राइक पड़ जाती है कि आप सेक्स को प्रमोट करते हैं ये वो इधर उधर, तो इसलिए नहीं उसको कैप्चर कर सकते। वैसे भी हमारे जो हम इस्लामी हैं, हमें नहीं चाहिए कि यार ऐसी चीज़ों को कैप्चर करके बंदों को आगे दिखाया जाए, हमारा काम है बंदे को, हमारी वीडियो ऐसी होनी चाहिए कि यार हर बंदा हमारी वीडियो फैमिली में बैठ के देख सके, सही है जी। और जो आपकी वीडियो अगर आप फैमिली में बैठ के नहीं देख सकते हो, ऐसी वीडियो को डालना उस बंदे के ऊपर लाना तो नहीं चाहिए कि यार ऐसी वीडियो हो जो आप फैमिली में ना बैठ के देख सकें। तो हमारी कोशिश होती है कि यार क्योंकि यहाँ पे यूरोप कंट्रीज हैं, यहाँ पे बेहयाई कुछ भी नहीं है, यहाँ पे औरतों के ज़्यादा हकूक होते हैं, औरतें जो चाहे करती हैं, जो कुछ हो कर सकती हैं, मर्द भी कर सकते हैं, लेकिन ये है कि जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि समंदर के ऊपर लड़कियाँ ऐसी आ जाती हैं बगैर किसी चीज़ के, विदाउट यानी वो नट्स जिसको बोलते हैं, ऐसी वो आ जाती हैं, लेकिन उनको हम कैप्चर नहीं कर सकते क्योंकि हम ना नहीं सकते, हमारा थोड़ा सा इस्लाम का भी दायरा है,
उसके अंदर हमें रह के काम करना पड़ता है, क्योंकि हमारी ज़्यादा ज़िंदगी पाकिस्तान में गुजरी है, थोड़ी ज़िंदगी यूरोप में गुजरी है, तो हमें उन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। तो घर के दरवाजे तक पहुंच चुके हैं हम दोस्तों, सिम सिम खोल गया। घर 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 अबले la puerta hermano por favor। घर में हम दोस्तों पहुंच चुके हैं और इसको रखते हैं बैग को यहाँ पर, टॉवल को रखते हैं यहाँ पर। अभी मुझे होगा नहाना, सारी जगह पे खारिश हो रही है इसकी वजह, रेत की वजह से। तो अभी मैं नहाता हूँ और नहा के तो फिर वही। तो दोस्तों आज का व्लॉग तकरीबन आपको पसंद आया होगा, बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर वीडियो के अंदर अंदर कोई ऐसी नाजेबा बातचीत हो गई हो या कोई ऐसी, क्योंकि फ्लाई के ऊपर मैं उसके ऊपर सी व्यू के सारे समंदर के ऊपर मैंने जब वीडियो बनाई थी तो कुछ लड़कियाँ आ रही थी जिनके ड्रेस नाजेबा थे। अगर किसी को कोई बात भी हो या कोई थोड़ा सा नाजेबा हरकत हुई हो तो माजरत चाहते हैं। वैसे मैंने कोशिश पूरी की थी कि यार कोई भी ऐसी लड़की, किसी ऐसी लड़की की वीडियो, उसकी जो है वीडियो ना आए मेरी वीडियो के अंदर, ताकि थोड़ा सा क्या उसे कहते हैं एहतियात की जा सके। तो आज का व्लॉग दोस्तों इख्तिताम पज़ीर होता है। मैं वीडियो के आखिर में यही कुछ कहना चाहूँगा कि क्योंकि मैं सारे समंदर के ऊपर गया था और वहाँ पे कुछ लड़कियों की अगर कोई तस्वीर वगैरह या कोई वीडियो ऐसी आई जिसकी वजह से नाजेबा हो, यानी नाजेबा हरकत की वजह से आपको पसंद ना आए, तो प्लीज़ माजर की मैंने, हालाँकि मैंने कोशिश पूरी की थी कि यार वीडियो के अंदर कोई भी ऐसी लड़की ना आए जिसका लिबास ना देखने वाला हो, क्योंकि हम इस्लाम के दायरेकार में तो वैसी वीडियोस नहीं हम बना सकते। वैसे भी YouTube के ऊपर हम ऐसी वीडियोस नहीं डाल सकते, क्योंकि कुछ लड़कियां थी जिन्होंने कुछ भी नहीं पहना हुआ था, ना ब्रा ना कुछ ना कुछ, तो वैसी हम वीडियो डाल भी नहीं सकते क्योंकि सेक्सुअल सट्राइक आ जाती है। और वैसे भी जो है मैं डालना नहीं चाहता, क्योंकि एक ये हमारा चैनल एक एंटरटेनमेंट के लिए ना कि बेहयाई फैलाने के लिए, तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने वीडियो को काफ़ी अच्छी तरह सेफ बनाया। फिर लेकिन फिर भी अगर कुछ नज़र आ जाए तो प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा। तो आज का व्लॉग दोस्तों हुआ ख़त्म। प्लीज़ मेरे चैनल द यूनिवर्सल नाले को ज़रूर सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को ज़रूर दबा दें, ताकि आंदा तमाम आने वाली वीडियो आपको बसानी में आपके वीडियो के इंट्रोडक्शन, इसका चैनल का इंट्रोडक्शन लास्ट पर करवा देते हो कि हमारे चैनल के ऊपर आपको न्यूज़ अपडेट्स, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़, फ़नी वीडियोज़, इंटरटेनमेंट और व्लागिंग, जैसे मैंने आपको यूरोप स्पेन की आज की सैर करवाई है ऐसी आपको सैर में करवाता रहूँगा। और सऊदी अरेबिया से मेरे भाई होते हैं बड़े, वो भी बनाते हैं, और मेरी इसी चैनल के ऊपर हम गेमिंग वीडियोस भी बनाते हैं और लाइव स्ट्रीमिंग भी मैं गेमों के करता हूं, तो गेमिंग वाले भी लाइक करें, जो व्लॉगिंग को पसंद है वो भी लाइक करें। तो दोस्तों मेरी नई वीडियो तक अपना और गिरदोनवा के सारे दोस्तों दुश्मनों सबका आप लोगों ने ख्याल रखना है। और तो मेरी नई वीडियो आने तक अपना और अपने गिरदोनवा के सारों का ढेर सा ख्याल रखिए। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।